भाई जो भी वीडियो देख रहा ध्यान से देख लो, ये जो कोई देख लिया था रासलीला वो यहाँ पे खत्म हो गए थे, ऐसे एक बंदा कह रहा था उन्हीं की समाधि है। सो ये है आपका निधि वन, निधि वन के बारे में अगर कोई और अच्छे से जानता होगा तो प्लीज कमेंट कर देना। गुड मॉर्निंग, इट्स आवर सेकेंड डे इन वृंदावन और आज हम लोग बेसिकली कलम खाले दो प्लेसेस कवर कर पाए थे, इस्कॉन और एक और प्लेस था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो मैं आपको बता दूंगा तो वहाँ पे क्या क्या हम कहाँ पे गए थे। बेसिकली आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, बांके बिहारी टेम्पल जाने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यमुना वगैरह, अगर हो पाएगा तो यमुना वगैरह हम कवर करेंगे और जितने भी और भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम शाम को जैसे होगा प्रेम मंदिर वगैरह सब कुछ जो शाम की चीज़ें होती है तो धीरे धीरे हम कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम लोग अपने होटल से बाहर निकले हैं और जो निधि वन है रात में वहाँ पे परमिशन नहीं होती है तो हमने सोचा था कि हम सुबह में कवर करेंगे, 6 बजे ओपन होता है। तो सबसे कन्वीनियंट वे आपको निधि वन जाने के लिए या बांके बिहारी टेम्पल जाने के लिए आप इस्कॉन के पास आइए, आपको वहाँ से इजीली ऑटो मिल जाएंगे, शेयरिंग वाले 20-20 रुपये लेंगे और आप वहाँ से ईजिली जा सकते हैं। तो ये आपका इस्कॉन टेम्पल है, मॉर्निंग में कोशिश करेंगे हम आएँगे, दिन में भी यहाँ पर आएँगे एक बार तो आपको अच्छे से पूरा दिखा पाएंगे। निधि वन जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ शेयरिंग मिल जाएगा बट अगर उनके पास पैसेंजर नहीं रहेंगे तो आपको 30-30 रुपीज़ पर सीट देना पड़ेगा। और भाई बांके बिहारी का कितना लेते हो आप? बांके बिहारी भैया जी लेते 200 रुपये सवारी का रेट है। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं है तो चाहिए। अच्छा तो अगर सवारी इनके पास है तो 10 रुपये में आपको बांके बिहारी छोड़ देंगे और सवारी नहीं है इनके पास में तो इनको भी लॉस नहीं होना चाहिए तो 40-40 रुपये लेते हैं, मतलब एक एक जन का, एक दो लोग रहेंगे तो इसे छोड़ देंगे फिर। ये सब के सब मार्केट है, आपको सुबह 10 बजे से खुल जाएंगे भैया जी बता रहे हैं और रात में 11 बजे तक खुले रहेंगे। जो आप बंद दिख रहे हैं सब बड़े मार्केट है, यहाँ पे सब सामान आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आना, निधि वन के बाद में, निधि वन के पहले और बांके बिहारी के बाद में मार्केट है। दोनों हमारे ऑटो वाले भैया हमें टाइम से छोड़ दे ला के, थैंक यू भैया, राधे राधे। सो ये निधि वन हम आ गए हैं, निधि वन राजनीज महल। आप चप्पल वगैरह अपना अंदर रख सकते हो निधि वन में सेफली, यहाँ पर डाल देते हैं, किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बंदरों से सावधान, आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका निधि वन, वहाँ से और यहाँ से एग्जिट। ये निधि वन में हम लोग हैं यहाँ पे और ऐसी मान्यता है कि जितने भी पेड़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं रात के समय ये गोपी और गोपियाँ बन जाते हैं, रासलीला होती है और रात के समय यहाँ पे कोई नहीं होता है। निधि वन के बारे में अगर कोई और अच्छे से जानता होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। वृक्ष व पेड़ों की जड़ से मिट्टी लेना सख्त मना है, काफ़ी सारे लोग यहाँ से मिट्टी वगैरह लेके जाते हैं जो सख्त मना है। निधि वन का पूरा ये रास्ता है, सच में फूल वगैरह ऐसे लग रहे हैं ना। हम लोग अभी निधि वन में हैं और आप निधि वन में देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी सब पेड़ हैं, ये सब पेड़ जो आपको दिख रहे हैं सब वही पेड़ हैं जो रात के समय गोपी और गोपियां बन जाते हैं। निधि वन का जो मेन मंदिर है उसमें जाने से पहले एक छोटा सा मंदिर आएगा जहाँ पे कुछ लोग अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद में फिर मेन मंदिर के लिए निकल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पहले मंदिर में दर्शन करने के बाद जो रास्ता जाता है सीधे रास्ता रंग महल की तरफ जाता है जो निधि वन का मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर है और वहीं पे ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में राधा रानी के साथ में रासलीला रचाने के बाद में आके विश्राम करते हैं। वहाँ पे जो दातून है वह सुबह गीली मिलती है और आज भी वहाँ पे मिश्री और माखन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सो यही वह रास्ता गया है मुख्य मंदिर की तरफ या रंग महल की तरफ।
राधे राधे मंदिर से निकलने वाले जो लोग हैं, सेवादार हैं, जो वहाँ पे प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, सब अपनी शक्ति के अनुसार जो भी चढ़ावा यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं, 100, 200, 300, इसलिए जाके आपका नाम पूछने के बाद में वहाँ पे प्रभु को चढ़ाएंगे और वहाँ से जो प्रसाद रहेगा प्रसाद लाके आपके हाथों में रख देंगे। आप पूरी वीडियो अंत तक देखना और हमारे प्रयास और कंटेंट अगर आपको अच्छे लगे तो प्रभु श्री कृष्ण के नाम पे आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको समय से मिलती रहेंगी। यही जो सामने दिख रहा है, यही वह बेड है जिस पे भगवान श्री कृष्ण रात में विश्राम करते हैं और इनके बिस्तर पे जो सिलवटें हैं सुबह में देखी जाती हैं, वहाँ पे जो दातुन होते हैं, दातुन गीले पाए जाते हैं। और इन सब के अलावा जैसे आप देख सकते हैं सेवादार आ रहे हैं, वहाँ पे प्रसाद लगातार चढ़ाया जा रहा है। कुछ सेवाएँ हैं जैसे श्रृंगार सेवा 101 देके, लड्डू पान दातुन सेवा 501 देके, चुन्नी सेवा 501 देके, श्राणी श्रृंगार 1100, फूल इत्र सेवा 2100, सैया व फूल सेवा 11000 और संपूर्ण सेवा 51000 रुपये। तो आप देख के अपने तरह से सेवा यहाँ पे दे सकते हैं। सैया सेवा एवं फूलों की सजावट अगर आपको सेवा देनी है 51000 रुपये आप यहाँ पे जमा कर दीजिए और आपके नाम की जो सेवा है प्रभु के चरणों में यहाँ पे अर्पित हो जाएगी। जो सेवादार है आपकी तरफ से यहाँ पे प्रभु को चढ़ा देंगे। निधिवन ये पूरा निधिवन है, यहाँ पे पेड़ है और यहाँ पे अगर कोई वृक्ष व पेड़ों पर सिंदूर डालेगा तो सख्त मना है, पकड़ा गया 500 रुपये फाइन लगेंगी। भाई जो भी वीडियो देख रहा ध्यान से देख लो, ये जो कोई देख लिया था रास लीला वो यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, ऐसे एक बंदा कह रहा था उन्हीं की समाधि है, तो कोई रात वगैरह में आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना यहाँ पे। और कोई कुछ जानता हो ज़्यादा तो प्लीज़ कमेंट करना। तो ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये वंशी चोरी राधा रानी का मंदिर है। वैसे तो भाई कण कण में भगवान है लेकिन ठीक है। राधे राधे पंख ले लो। अब वो सब जगह लिखा रहता है तो
ये सब जो समाधियाँ आपको दिख रही हैं वो उन प्रसिद्ध सेवादारों के समाधियाँ हैं जिन्होंने शुरुआत से ही कहीं कहीं वृंदावन और प्रभु श्री कृष्ण के लिए काफ़ी काम किया था, उनकी काफ़ी सेवा की थी, उन्हीं की समाधियाँ हैं ये सब। निधि वन के जो पेड़ हैं उनके चारों तरफ बाउंड्री लगाई गई हैं, गेट लगाए गए हैं और सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी अंदर किसी प्रकार से न जा सके, लेकिन समय से वहाँ पर साफ सफाई होते रहती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए और बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पे समय से मिलते रहेंगे। राधे राधे।